और गाइज आप लोग कह रहे थे मुझसे, कल मैंने पढ़ा था कमेंट में कि आपको एक कट होते हैं फेदर कट जिसे कहते हैं, वो भी दिखाना है, तो मैं ठीक है चलो अपने कॉकटेल के आपको काट के दिखा देता हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस एम बेस्ट व्लॉग्स। सो गाइज अभी देखो मैंने ये टोटो को बाहर निकाल के खेल रहा था मैं, और मैंने स्प्राउट्स बना लिए थे भाई कल। लोग ऐसे बोलते हैं कि उनके बर्ड्स स्प्राउट्स नहीं खाते, ये नहीं है वो नहीं खाते, भाई मेरे बर्ड्स ऐसे हैं कि अगर इनको एक दिन स्प्राउट्स या फ्रूट्स ना मिले तो इनका मुंह बन जाता है। कल सीट सीट दी थी ना तो मुंह बना हुआ था इसका भी, चिड़ा चिड़ा हो रहा था। अब देखो स्प्राउट्स खा लिए ना, स्प्राउट्स के साथ देखो कैसे खा लेगा, अब मस्ती में खाएगा ये, ले ये देखो ऐसे मस्ती से खाता है। लिली भी खा लेती है कभी कभी स्प्राउट्स को, है ना लिली, है ना। चलो 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 सबको स्प्राउट्स देते हैं, फिर उसके बाद फीडिंग भी तो करानी है। ये देखो गाइस कैसे मस्ती में खा रहा है ये, और ये सब इंतजार में बैठे हैं कि इनको स्प्राउट्स मिलेंगे, स्प्राउट्स मिलेंगे। भाई मैं तो अपने बर्ड्स से एक चीज से परेशान हूँ, ये देखो पानी बदलते ना ये सबसे पहले नहाते हैं, कुछ करें ना करें नहाएंगे। और अभी आ रही है ठंड वापस से, और ठंड में कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा कि अगर ठंड में ही ऐसा रहा ये नहाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और गाइज आप लोग कह रहे थे मुझसे, कल मैंने पढ़ा था कमेंट में कि आपको एक जो कट होते हैं फेदर कट जिसे कहते हैं वो भी दिखाना है, तो मैं ठीक है चलो अपने कॉकटेल के आपको काट के दिखा देता हूँ। यूजुअली मैं कट भी नहीं करता हूँ, और कर भी देता हूँ कितनी बारी, मान लो कोई नया बर्ड है वो एनवायरनमेंट में एकदम से नहीं घुले मिलता है तो मैं कट कर देता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कट करके ये कैसे करते हैं। तो गाइज देखो ये रहा हमारा एक कॉकटेल है, और ऐसे सोचो मत कि मैं कैसे पकड़ रखा, क्योंकि सिर्फ फेदर कट करने हैं मुझे अभी इसके, और मेरे पास कोई और होता नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ घर में, तो इसलिए ये देखो आपको ये फेदर्स दिख रहे होंगे, तो फेदर्स में एक ये है फेदर्स है, और सेकंड लेयर देखो ये है फेदर्स की, तो कभी भी सेकंड लेयर के अंदर से नहीं काटने क्योंकि वहाँ पे ब्लड होता है, और अगर आपने वो काट दिया तो बर्ड को बहुत दर्द होगा, बहुत बर्ड मतलब खून निकल जाएगा, और खून इतनी ईजिली रुकता भी नहीं है, तो हमेशा इस वाली जो लाइन है ना उसके नीचे से कट करना है आपको फेदर। और मेरा रुक जाओ बच्चा, मेरा बच्चा बस 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 मेरा बच्चा रुक जाओ। और शुरू के गाइस तीन फेदर हमेशा छोड़ देने, उससे क्या होता है ना बर्ड दिखने में अच्छा लगता है हमेशा, उसकी जो शेप होती है वो नहीं बिगड़ती है, तो आपको शुरू के तीन फेदर छोड़ देने, उसके बाद देन मैं आपको कट करके दिखाता हूँ कैसे कट करना है। ये जो फेदर्स जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर के नीचे से कट कर दीजिए, एक फेदर छोड़ के भी कर सकते हो आप, इधर का भी सेम वैसी कट कर देने, आपको शुरू के तीन फेदर छोड़ देने हैं, लास्ट के आठ छः सात फेदर छोड़ देने हैं, और आपको मैं दिखाऊंगा इसके लगेगा भी नहीं कि फेदर्स कट हैं। तो गाइस ये रहे फेदर्स कट गए हमारे बर्ड के, और ये रहा हमारा बर्ड। अब ये क्या है कि उड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं उड़ेगा, मैंने इतने कट नहीं करे इसके फेदर कि बिल्कुल ही उड़ना बंद कर दे, ये स्लाइड कर जाएगा, मान लो कहीं से ऊपर से नीचे आना हो तो ऐसा नहीं होगा धड़ाम से गिर जाएगा, ये स्लाइड करके आ जाएगा, है ना। और देखो इसका लग भी नहीं रहा कि फेदर्स कट है, पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो जरा सा भी नहीं पता चल रहा कि फेदर्स कट है, और फेदर्स गाइस वापस आ जाते हैं बाल की तरह होते हैं, आप जिस इतने बीच में आप इसको ट्रेन करो अच्छे से कि जिससे कि आप अच्छे से ट्रेंड हो जाए, देन उसके फेदर्स के साथ भी आप खेल सको, है ना, है मेरा बच्चा। गाइज मुझे ना बहुत सारे काफी कमेंट आते हैं कि आपने अपने बर्ड कैसे टेम किए, हाउ टू टेम बर्ड, टेम करके दिखाओ भैया, मेरे पास कॉकटेल है या बजी है या कोई और बर्ड है कि उसे हम टेम कैसे करें। तो गाइज एक बात यह है कि जैसे आप ये देख रहे हो ये हमारा टोटो है, ये बहुत अच्छा टेम्ड है, देखो वापिस भाग रहा है अपने, इसको अंदर जाना है, ए टोटो नहा का है ये भी जरा, तो ऐसे टेम नहीं होते कोई भी बर्ड, कोई भी बर्ड बड़ा होने के बाद टेम नहीं होता है, उसको जो है ना हैंड फीडिंग चिक्स होते हैं छोटे छोटे से, उनको ही लेना पड़ता है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ मेरे पास ग्रे के चिक्स हैं, उनको उठा के हैंड फीडिंग पे लेके देन उसको ट्रेनिंग दी जाती है, मैं अभी दिखाऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ, तब जाके कोई बर्ड टेम्ड होता है, इतने बड़े बर्ड कैसे टेम्ड होगा, वो तो काट काट के खून निकाल देगा। देखो गाइस ये रे ये जो चिक्स जिनकी मैं बात कर रहा था, हमारे तीनों चिक्स हैं हैंड फीडिंग के, मैं आपको दिखाता हूँ देखो ये कैसे करते हैं, जब हम किसी बर्ड को ट्रेन करते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, देखो छोटे से हैं अभी ये, सिर्फ अभी फीडिंग खाना जानते हैं और कुछ करना जानते ही नहीं, तो इनको एक चीज़ समझ में आ गई है कि मैं इनको अगर दिखता हूँ तो ये देखो ये जो नया ग्रे आया था ना, देखो फीडिंग नहीं मांग रहा था, अब ये भी स्टार्ट हो गया थोड़ी थोड़ी फीडिंग मांगनी, ये देखो, तो अब इनको ये समझ में आ गया है कि अगर मैं इनको दिखूंगा तो इसका मतलब मुझे खाना मिलेगा, मतलब इन्हें खाना मिलेगा, तो ये मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा दूर रखता हूँ इन्हें, अपने पास बुलाता हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, जैसे हमारी ये दीदी है ना, मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोगों का डॉग्स के साथ में बर्ड नहीं जमते, लेकिन हमारी लीली ने आज तक किसी भी बर्ड को इंजर्ड नहीं किया, क्यों,
क्योंकि मैं बचपन से उसको फ्रेंडली करा देता हूँ, सभी बर्ड्स को भी करा देता हूँ, ऐसे बिठा देता हूँ। ये देखो देखो, आज तक लिली ने किसी भी बर्ड को हार्म नहीं पहुंचाया है, कभी नहीं पहुंचाया है। लिली तो यहाँ बैठ जाएगी चढ़ के उल्टा। जाओ अब ये देखो, ये इस बोर्ड को देखो, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, लेकिन ये देखो आएगा मेरे पास ही थोड़ी देर में। ऐसे नहीं घुमा के यहाँ रख देता हूँ, देखो तो थोड़ी देर में चलता चला तो मेरे पास ही आ जाएगा फीडिंग करने के बहाने से। अभी तो चला भी नहीं जा रहा। अभी मैं स्क्रीन दिखाऊंगा ना, स्क्रीन देख के सीधा मेरे पास आएगा। तो गाइस ऐसे ही हैंड फीडिंग के थ्रू ही बच्चों को टेम किया जाता है, टेम करने के बाद फिर ट्रेन किया जाता है। अब लिली परेशान है, इसको मेरी गोद में आना है बस, आ चला लो आ जा। और गाइस अभी ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है शाम का टाइम है, इसीलिए मैं इनको यहाँ पर लेके बैठा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बैठता कभी भी। ये देखो गाइस कैसे चिल्ला रहे हैं, टह टह एक दूसरे के ऊपर पड़े। ये तो थोड़ा बड़ा बच्चा है, देखो इसके जो पेरेंट ने घाव दिए थे ना वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहे हैं, ये देखो है ना। हाँ फीडिंग खानी है, टाइम तो हो गया गाइस इनका, तो चलो मैं इनकी फीडिंग बनाता हूँ जल्दी से। तो गाइस हमारी देखो फीडिंग तैयार हो गई है, और मैं हंस इन पे रहा हूँ कि ऐसे चढ़ रहे हैं ना मेरे पे। हाँ तुम भी खाओगे। देखो गाइस ये भी अब देखो फीडिंग मांगने लगा थोड़ी थोड़ी, देखा ये पहले मांग नहीं रहा था बिल्कुल भी, ऐसे बैठता था गुस्से में, अब बड़ा धीरे धीरे समझ रहा है। चलो 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 हो गए फंडे डंडी, दे रहा हूँ दे रहा। ये देखो भाई भाई जो फीडिंग के चक्कर में ना जब बर्ड्स होते हैं ना पागल हो जाते हैं भाई, ये चीज तो मुझे ऐसी लगती है बस क्या बताऊं। अरे रुक जा, एक एक को तो दूंगा, दो को थोड़ी दे दूंगा। हाँ 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 भाई जी, ये मुझे छोटा वाला जो बड़ा वाला बच्चा है ना ये लगता मुझे लेकिन बड़ा प्यारा है, क्यूट सा एकदम। ए पीछे हो जा, चलो पीछे हो जा। इन सब की तो फीडिंग निमट गई है, मैं सोच रहा टोटो मैंगो को दूं, लेकिन एक अंदर पॉकेट है उसको दे देता हूँ, टोटो मैंगो तो खाना खा रहे हैं बच्चे से ठीक हो गए। तो गाइस सभी को फीडिंग हो चुकी है, बस एक बच्चे रह गया हमारे घर का, जो कि बेचारा हमें कभी परेशान ही नहीं करता, शांति से बैठा रहता है। जिसको खाना नहीं दिया गया है वो है ये हमारी बची बेचारी सी मछली, छोटी सी छुटकू सी, शांति से बैठी रहती है, कभी कुछ नहीं कहती, मुझे क्यूट लगती है बहुत ऐसे। कल इसका पानी भी चेंज करूंगा, गंदा हो गया, और इसकी लाइट भी ठीक कराऊंगा यार, बहुत दिन हो गए, इसको लाइट पसंद आती है। इसके फेदर्स पर देखो भाई फिन कितने प्यारे हैं। अभी अभी खाना दे रहा हूँ, उसको पता चल गया कि मैं खाना देने आया हूँ। देता हूँ इसको खाना देता हूँ। हाँ अभी कौन खाएगा ये खा लिया। ऊपर से दिखते कैसे खाती है, यहाँ से भी दिखती है, थोड़ी थोड़ी दिखती है, थोड़ी थोड़ी नहीं दिखती है, परछाई सी दिखती है। खा लो भाई, सारे बर्ड्स को हमने खाना दे दिया, सारा काम निमट गया, सफाई भी कर दी मैंने। तो आज की वीडियो करते हैं हम यहीं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो गाइज बाय।